हेलो अंशुल, अंशुल ने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्टील लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग, राइट। इसमें कुछ बैकग्राउंड फोरग्राउंड नहीं है, एलिमेंट्री के लिए ड्रॉ किया है। एक कॉपर ऑब्जेक्ट है, एक स्टील ऑब्जेक्ट है और एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो ड्रॉ करने की ड्रॉ कैसे किया है आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है और स्क्वायर के बाद एक सेंटर लाइन बनाया गया है, राइट। सेंटर लाइन है यहाँ पे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है मार्किंग करके। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं आपको जानबूझ के दिखा रही हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है वो आपको समझना चाहिए, राइट। कॉपर ऑब्जेक्ट सेंटर में है, लेफ्ट साइड में एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है और उसके राइट साइड में एक स्टील ऑब्जेक्ट है। तो कलरिंग में इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस आएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह ये कलर करना है आपको, डार्क लाइट शेडो कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ जस्ट आपको ड्रॉ करने के लिए कि आपको कैस किस तरह ये ड्राइंग करना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है आपको पहले आउटलाइन बॉक्स जो भी बेसिक शेप होगा, राइट, वो बेसिक शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे कॉपर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर वाला वो थोड़ा स्क्वेरिकल है, राइट साइड का जो ग्लास है वो थोड़ा रेक्टेंगल है, एंड देन नेचुरल ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह आपको ड्राइंग करना है सेंटर लाइन ड्रॉ करके। ओके, थैंक यू वेरी मच अंशुल। कॉपर ऑब्जेक्ट अभी हमने देखा था ड्राइंग कैसे करना है, राइट। उसमें ड्राइंग करते वक्त हमने देखा था कि किस तरह हमें बॉर्डर करके पहले फिर ड्राइंग को ड्रॉ करना है, सो दैट सिमेट्रिकल ड्राइंग दोनों साइड से सेम अच्छे से आता है, राइट। अभी उसको हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑयल पेस्टल से ही कलर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है ऑयल पेस्टल से, राइट। वाटर कलर से भी कर सकते हो पर ऑयल पेस्टल से रिजल्ट अच्छा आता है, तो आप यूज़ करो ऑयल पेस्टल्स, राइट। यहाँ पे हम लोग ऑयल पेस्टल यूज़ करते हैं एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। मिक्सिंग करने के लिए इसने ईयरबड का यूज़ किया है, राइट। एक साइड से लाइट कहाँ से आना है ना वो पहले आप डिसाइड कर लो। जैसे इस ड्राइंग में लाइट यहाँ से आने वाला है, सॉरी यहाँ से आ रहा है, राइट राइट। सो अंदर का जो साइड है, राइट, वो आपको दिख रहा है कैसे कलर। इसी तरह आप धीरे धीरे अभी नीचे हमें कलरिंग वो मर्ज करेगा और कलरिंग स्टार्ट करेगा, राइट। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट, किस तरह कलर करना है। स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉलो कर सकते हो आप कलर। तो ऑयल पेस्टल इज इजी, यूज़ ऑयल पेस्टल ओनली, राइट। यहाँ पे हमने सामने एक ड्राइंग रखा था जिसमें कॉपर रखा था, एक ग्रीन कलर का कॉपर का एक तांबा रखा था, ये ग्रीन कलर का ब्रिंजल है और ये स्टील का ग्लास है, राइट। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करना है। सी दिस, मिक्सिंग आप कर सकते हो ईयरबड से। ओके, लुक एट हियर देवेश, इट्स अ रिफ्लेक्शन।
दिस वाइट बॉर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप पेंसिल कलर से भी इसको हल्के से प्रॉपर लुक दे सकते हो या फिर वाइट कलर से उसको बॉर्डरिंग कर सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स दिए, यहाँ पे भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स ही होने चाहिए। कि ग्लास का जो टेक्सचर होता है इसमें राउंडिटी भी दिख रहा है और स्ट्रेट स्ट्रोक्स भी दिख रहे हैं। दिस इज वेरी डार्केस्ट पोर्शन, सो थोड़ा सा डार्क करूंगा। ये जो ग्लास है ये थोड़ा डिज़ाइन का है इसलिए इतने एफर्ट से, अदरवाइज इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल अगर ग्लास रहेगा तो इतना टेक्सचर्स नहीं आएगा उसमें, तो बेसिक आपको करना है सिर्फ। क्योंकि इसमें यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ब्रिंजल है, उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन ग्लास के ऊपर भी पड़ा है, तो थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पे। अब बिल्कुल भी थोड़ा सा के अंदर का साइड है, तो फिर इसको एक टोन दे देते तो फिर डिफरेंशिएट समझ में आएगा इनसाइड एंड आउटसाइड। अंडरस्टैंड? एक मिनट है बेटा। यहाँ पे ब्रिंजल किया गया है, ये फोटोग्राफ है, थोड़ा ऊपर का जो ब्राउन पोर्शन है वो ठीक से कर। इसका जो बॉटम है और यहाँ पे जो ब्राउन है वो मार्क करो। छोटा सा जो ये पोर्शन है ना यहाँ पे और यहाँ पे और ये कॉर्नर में, ओके। एक बार फ्रंट से दिखा, राइट। तो बिफोर शैडो में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, इस तरह होगा आपका। और अब इसमें करेंगे हम शैडो। हेलो, ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है अभी, राइट। इस तरीके से आप भी, आपको भी प्रैक्टिस करना है कॉपर मटेरियल, स्टील मटेरियल, ओके, और उसके साथ कोई भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे कलर, अगर आपके पास पर्पल कलर का ब्रिंजल हो तो वो आप रख सकते हो, ये आप रख सकते हो, शिमला मिर्च रख सकते हो, कोई फ्रूट होगा तो फ्रूट रख सकते हो, राइट। और इस तरह आपका ड्राइंग आपको आपको सामने रखना है, पहले फोटोग्राफ लेना है और फिर उसको कलर करना है, रेफर करके, फ़ोटो को कलर करके आप रेफर कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप सामने नहीं देख रहे हो, मतलब देख के आपको करना है, तो एज अ रेफरेंस आप वो फोटोग्राफ यूज़ करो और कलरिंग करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।